गुजरात और एसआरएच के बीच में जो मैच हुआ आज, वो इतना जबरदस्त मैच हुआ गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसआरएच की तरफ से नहीं। गुजरात ने पहले बैटिंग किया क्योंकि एसआरएच ने टॉस जीत लिया था और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया कि पहले ओवर में ही भुवनेश्वर ने विकेट ले लिया, साहा आउट हो गया आज। उसके बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन की मैं बहुत तारीफ करूंगा क्योंकि देखिए 5-6 मैचेस में अनफिट होने के बाद, बाहर बैठने के बाद आके इस तरह की बैटिंग कर रहा है। हालांकि उसने कोई बहुत विस्फोटक बैटिंग नहीं की, लेकिन फिर भी वो टिका रहा। उसने 36 बॉलों में 47 रन बनाए, ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं थी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब 5-6 मैचेस में आदमी बाहर बैठा रहता है, वो जब आता है टीम के अंदर उससे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। लेकिन उसने बहुत अच्छी, वो मुझे बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लगता है इंडियन टीम के लिए। इंडियन टीम में उसको आना ही चाहिए। बाकी जो नए लड़के हैं जैसे निहाल वडेरा है या ध्रुव जोरेल है या फिर तिलक वर्मा है, इनके साथ मुझे लगता है कि ये नई खेप जो आ रही है बैट्समैन की, ये बहुत अच्छी है और इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन शुभमन गिल ने तो मजा ही ला दिया आज। जो 58 बॉलों में उसने 101 रन बनाए, पहली आईपीएल की सेंचुरी मारी, गजब की बैटिंग उसने की और सब लोग की अच्छी तरह से धुनाई की। पहले दो ओवर डालने के बाद तो भुवी चला गया बाहर और उसके बाद ये साई सुदर्शन और शुभमन, ये दोनों 10 के रेट से ही रन बनाते रहे। और ये देखिए आप कि 147 पे इन लोगों का, साई सुदर्शन आउट हुआ था, मतलब एक रन पे या जीरो पे साहा आउट हुआ, एक रन पे शायद आउट हुआ था। उसके बाद 147 पे दूसरा विकेट गिरा। उसके बाद हार्दिक पांड्या आज ज्यादा चल नहीं पाया, लेकिन ये लोग फिर भी 17वें ओवर तक 10 के रेट से रन बना रही थी, 175 रन स्कोर था। उसके बाद आके आखिरी दो ओवर्स जो भुवी ने डाले हैं अपने, उसमें उसको 3 विकेट और मिले, जो कि मतलब ये देखिए कहने को 5 विकेट का हॉल उसको मिला, लेकिन ऐसी बॉलिंग का फायदा क्या है। आईपीएल शुरू होते ही मैंने आपसे कहा था कि एक लिस्ट मैं बना रहा हूं जिसमें कि एक थैंक यू लिस्ट है बॉलर्स के लिए, उसमें सऊदी हुआ और ये भुवी का भी नाम है उसमें, उसमें जयदेव उनादकट का भी नाम है और मैं देखूंगा उसमें कौन कौन से नाम मैंने लिए थे उस टाइम। अभी भी उस थैंक यू लिस्ट में मैं भुवनेश्वर कुमार का नाम मेरे लिए है, क्योंकि सामने वाली टीम जब 200 रन ठोक रही है उसमें आपने 5 विकेट ले लिए तो कौन सी बड़ी बात की। और ये कौन सा मैच है आपका, 12वां 13वां मैच है, जब टूर्नामेंट खत्म हो गया, जब आप बिल्कुल आउट होने की कगार पे खड़े हो, उस टाइम आप मैच में 5 विकेट ले रहे हो। ये 5 विकेट तब अच्छे लगते जब आपने शुरू में लिए होते, आखिरी ओवर में उसने जाके 3 विकेट लिए हैं, उससे क्या फायदा हुआ टीम को। आपकी पर्सनल ग्लोरी के लिए तो हो गया, वो आपके पर्सनल रिकॉर्ड में आ गया, लेकिन अल्टीमेटली टीम को तो उससे धेले भर का भी फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने तो 189 रन बना दिए और उसके बाद जब ये लोग बैटिंग करने आए तो मोहम्मद शामी ने जो 4 विकेट आज लिए हैं, वो मैं कहता हूं मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। उसने जो शुरू में 3 विकेट लेके टांग तोड़ दी है बिल्कुल और कमर तोड़ दी है एसआरएच की, उसके बाद वो एसआरएच का तो कुछ बचना ही नहीं था। एसआरएच में बेचारा वो क्लासेन जो है वो एक वही लगा हुआ है और वो पूरे टूर्नामेंट में लगा रहा। अब एसआरएच के देखिए मैनेजमेंट की मैं अकल पे तरस खाता हूं। क्लासेन ये वो बैट्समैन है जिसकी कैपेबिलिटीज को ये पहचान नहीं पाए, जो हमको शुरू में पहचान में आ गई थी, लेकिन उसको शुरू के मैचेस में ये बिल्कुल आखिरी में ले रहे थे और पहले 2-3 मैचेस तो खेला ही नहीं, और उसके बाद जब इसको खिलाया तो बैटिंग बिल्कुल आखिरी में 8वें 9वें नंबर पे करते थे। अब जब से वो ऊपर आ रहा है, उसने बताया, मुझे तो ऐसा लगता है क्लासेन वर्ल्ड का बेस्ट स्पिन बॉलिंग को खेलने वाला प्लेयर है। अगले ऑक्शन में आप देखिएगा, ये वही 15-16-20 करोड़ के रेंज में जाने वाला है क्लासेन। वो जिस तरह का विकेट कीपर भी बहुत अच्छा है और स्पिन बॉलिंग को खेलने का तो उसका जो अंदाज है और जो टेक्निक है, आज उसने राशिद खान को जिस तरह से खेला है, राशिद खान को आज एक भी विकेट नहीं मिला, वो सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर क्लासेन ने उसको खेला है। क्लासेन उसको हाथ से रीड कर रहा था आज। आप अगर आपने मैच देखा हो, राशिद खान की लेग स्पिन जो बॉल थी उसको उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा है और जो गुगली थी उसको मिड विकेट और मिड ऑन पे खेला है। एक भी शॉट उसका मिस टाइम नहीं हुआ और मिसप्लेस नहीं किया उसने। इसका मतलब है कि वो बॉल को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि हाथ से क्या निकल रहा है, लेग स्पिन या गुगली। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है क्लासेन ने। दुर्भाग्य उसका कि वो एसआरएच की टीम में था और ये एसआरएच के जो ओनर्स हैं इनको तो डेविड वार्नर का श्राप लगा हुआ है। ये अब जब तक डेविड वार्नर से राइटिंग में माफी नहीं मांगेंगे तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए आईपीएल शुरू होने के पहले सारे लोग ये कह रहे थे कि एसआरएच की बॉलिंग जो है वो सबसे अच्छी बॉलिंग है, लेकिन उस बॉलिंग का क्या हुआ, बेचारे उमरान मलिक को तो टीम में जगह ही नहीं मिल रही, उसकी ये हालत कर दी है।
और ये इसमें देखिए बॉलर्स का कोई दोष नहीं है, ये सब मैनेजमेंट और कोच और कैप्टन इन लोगों का किया धरा होता है जो कि कोई बॉलर या बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है इंक्लूडिंग द कैप्टन। तो वो कैप्टन तो वैसे भी फॉरेनर है, उसको क्या पड़ी हुई है, ना तो उसको कुछ पता है और उसे क्या लेना देना है, कल के ऑक्शन में वो कहीं और चला जाएगा। तो इन लोगों की कोई लॉयल्टी होती नहीं है, ये सब लोग पैसे के लिए खेलते हैं, अनलेस दो तीन लोग जिनको की बहुत ही ज्यादा भरोसा दिया गया हो। अब ये जो SRH के जो ओनर्स हैं, देखिए SRH और लखनऊ और हाँ पंजाब भी, ये तीन टीमों में खेलने वाले जितने प्लेयर्स हैं इनका कोई टीम से दिल लगा हुआ नहीं है, क्योंकि इनको पता है इनके ओनर्स ऐसे हैं कि इनको किसी भी बात कारण से अगले साल इनको ऑक्शन में नहीं लेंगे, ना तो रिटेन करेंगे ना खरीदेंगे। इस तरह की टीमें कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाती है। मुझे तो ताज्जुब है कि लखनऊ जो अभी तक कर रही है वो टीम एक्चुअली बहुत अच्छी है। वो कप्तान उनका जरूर खराब है, KL राहुल, वो कप्तान अगर पहले ही अनफिट हो गया होता और डीकॉक पहले टीम में आ गया होता तो शायद इनकी पोजीशन ज्यादा अच्छी होती। अभी भी हालांकि बहुत अच्छी है इनकी, क्योंकि ये काइल मायर्स और निकोलस पूरन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। खैर अभी हम गुजरात, आज जो मैच जीती है गुजरात, देखिए आप गुजरात के हर प्लेयर का फॉर्म आप देखिए, हर प्लेयर फॉर्म में है, हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जब मौका मिलता है तब करते हैं। आज के मैच में सिर्फ दो बैट्समैन चले, आखिरी का कोई भी बात का कोई भी बैट्समैन नहीं चला, आखिरी के तो 3-4-5 जीरो पे ही आउट हो गए, लेकिन फिर भी 189 स्कोर बना। और आप क्या सोचते हैं, अगर शुभमन गिल ने सेंचुरी नहीं बनाई होती तो क्या ये गुजरात का 100 रन पे ऑल आउट हो जाती? नहीं, कोई ना कोई फिर से रन बनाता। इन्होंने तो देखिए विजय शंकर को हीरो बना दिया। विजय शंकर और रियान पराग ये तो मजाक बन के रह गए थे IPL में। रियान पराग तो हालांकि अभी भी चुटकुलाई है, लेकिन विजय शंकर तो हीरो बन गया। और उसको बनाने में बहुत ज्यादा हाथ मैनेजमेंट और कप्तान का है। ये कप्तान ही होता है जो प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाता है और कंसिस्टेंटली निकलवाता है। गुजरात की टीम में एक एक प्लेयर फॉर्म में है, बाकी किसी भी टीम में ऐसा नहीं है। बाकी किसी भी टीम में किसी ना किसी का लीन पैच चल रहा है, लेकिन यहां हर आदमी फॉर्म में है, हर आदमी परफॉर्म कर रहा है। और मोहित शर्मा जैसे प्लेयर को ये लाके और उसने आज फिर 4 विकेट ले लिए, तो ये तो पारखी की नजर होती है इस तरह। बहुत मजेदार मैच हुआ, GT क्वालिफाई कर गई और GT इस तरह से खेल रही है कि मुझे लगता है कि GT को हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा, इंक्लूडिंग CSK। हाँ धोनी जरूर कोई चमत्कार कर सकता है, बाकी तो किसी और टीम के बस की नहीं है GT को हराना, चाहे GT पहले बैटिंग करे या बाद में। वो कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई उनका प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले कर देता है और वो मैच जीत जाते हैं। तो देखते हैं, कल एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है लखनऊ और मुंबई का, क्योंकि दोनों के लिए मरने मारने वाली सिचुएशन है। और देखते हैं क्या होता है, किस तरह की विकेट लखनऊ वाले बनाते हैं और मुंबई क्या करती है। मुंबई के लठेत जो हैं वो डांस करते हैं या भांगड़ा करते हैं, तो देखते हैं हम क्या होगा। कल के मैच के बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच।